गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बढ़िया हो गए, एकदम मज़े में हो गए। तो आज दिन है मंगलवार, मंगलवार से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह का टाइम है और मैं रख रही हूँ यहाँ पे मटर बॉईल होने के लिए। आज सोच रही हूँ मटर बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने करी नहीं है मटर की चाट, तो वही बनाऊँगी। और आज बनानी है सेम आलू की सब्ज़ी, तो वो भी कट हो चुकी है। और सेम आलू छोंक देती हूँ एक कढ़ाई में, और इधर मैंने रख दिए मटर बॉईल होने के लिए। एक्चुअली क्या था ना, कल सामान लेके आए थे ग्रॉसरी का, जब तभी जो है कुलचे भी लेके आए थे, हस्बैंड का मन था कुलचे खाने का, तो इसलिए फिर मटर बॉईल करने रख दिए। और यहाँ पे सब्ज़ी बन के होगी रेडी, एकदम चटपटी सी, और उसमें मैंने डाल दी थी धनिया, तो बहुत अच्छी लगती है सेम आलू की सब्ज़ी, गर्मा गर्म खाओ ना। और यहाँ सिक रहे हैं पराठे, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म खाना, नाश्ता कर लीजिए आके। लंच के लिए रोटी देखो मैंने पैक भी कर दी है, हस्बैंड के लंच में भी रख दी है और पापा के ही पैक करके रख दिए, तो अभी ले जाऊंगी पराठे वराठे सेक लेती हूँ, पापा लंच ब्रेकफास्ट में खा के जाते हैं। और एक साइड में जो है चाय भी बन के हो गई है रेडी, तो बस ये रह देती हूँ। और ब्रेड भी लेके आए थे हम लोग कल जब लाए थे सामान, तो ब्रेड सोच रही हूँ मैं नाश्ते में कर देती हूँ मम्मी के लिए, तो मम्मी खा लेंगी और हस्बैंड तो कुलचे ही खाएंगे, नाश्ते में करके चले जाएंगे। और लंच में जो रोटी ले जाएंगे मटर से, उन्हें बहुत अच्छी लगती है मटर से रोटी, पता नहीं कितनी अच्छी लगती है उनको, तो वही रख दूँगी मैं इनके लिए। और यहाँ देखो मटर भी हो गई है बॉईल, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना उसको निकाल देती हूँ और मटर को कर लेती हूँ दूसरे बर्तन में। और साथ के साथ नहीं कुकर जो है इसको भी खंगला के रख देती हूँ, क्योंकि साथ के साथ रख दो ना तो सही रहता है, वरना क्या है ना फिर ये जम जाता है ज़्यादा। गरम गरम जो चीज़ है ना बर्तन वर्तन वो सही से साफ़ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे बना लेते हैं मटर की चाट। वैसे भी टाइम से उठ गई थी मैं, अदरवाइज़ कई बार लेट उठती हूँ ना तो फिर बर्तन में रहने देती हूँ, फिर एंड में धोती हूँ सारा, बट जब टाइम से काम हो रहा होता ना तो साथ ही साथ बर्तन भी धुलते जाते हैं। और यहाँ बस सब कुछ कट कर दिया है, मिर्च भूल गई थी तो मिर्च मैंने ऐड कर दिया है, और प्याज अभी ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें क्योंकि मम्मी के लिए करना है पहले, तो जब मम्मी के लिए बना दूँगी उसके बाद इसमें प्याज भी ऐड कर लूँगी। तो बस यहाँ पर नींबू भी निचोड़ दिया, और फिर मैंने बाद में ऐड किया था गरम मसाला। तो बस ये बन के होगी रेडी, मम्मी के लिए बना देती हूँ सैंडविच, मटर का सैंडविच सोच रही हूँ बना देती हूँ, तो मम्मी खा लेंगी और पापा के लिए मटर ले जाऊँगी प्याज वाज डाल के, तो पापा तो पराठे के साथ खाएंगे। यार सैंडविच भी हो गया रेडी, अभी मैंने तवे पे रख रखा है क्योंकि ठंडा हो जाता है ना बहुत जल्दी। और चाय भी मैं ना फ्लास्क में ले आती हूँ नीचे, क्योंकि क्या होता है ना कि फ्लास्क में चाय ठंडी नहीं होती है, अदरवाइज़ क्या आपको पता ही है कि ठंड का टाइम आ गया है तो चाय एकदम से ठंडी हो जाती है मम्मी के पास जाते ही, तो फिर इसलिए मैं फ्लास्क में ले जाती हूँ। कई बार क्या होता है ना पापा नहा रहे होते हैं जो भी है, तो फिर चाय जो है ठंडी हो जाती है, तो इसमें रखे रहो तो चाय ना काफ़ी टाइम तक गर्म बनी रहती है। पहले तो जब मैं टीचिंग करती थी तो मैं ना स्कूल में भी ले जाती थी कई बार बना के, जैसे घर पे नहीं पी पाते ना तो स्कूल में ले जाते सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में चाय इतनी अच्छी लगती है ना गर्मा गर्म, मतलब पकड़ के ही बैठ जाओ तब भी मज़ा आ जाता है। तो वही टाइम आ गया अब चाय का, अब बस चाय चाय जला कर ही चाय कॉफ़ी बस सर्दियों में यही चलती है हमारे, तो यही पिया करेंगे। तो ऐसे स्कूल में ले आती थी तो इसमें ना ठंडी नहीं होती थी कभी भी, पी लो अपना निकाल के गिलास में डाल के। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और अब मैंने ना जीनू के लिए कर रही हूँ लंच की तैयारी। जीनू के लिए मैं सोच रही हूँ आधा कुलचा रख के देखती हूँ खाती है नहीं खाती है मटर के साथ। मटर मैंने जीनू की ना बिना मिर्च की पहले निकाल दी थी खाली नमक से, टमाटर वगैरह ऐड कर दिए, नींबू ऐड कर दिया, नींबू जीनू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हर चीज़ में नींबू डलवाती है। तो लंच पैक कर दिया है और साथ में रख दी है मैंने चॉकलेट, अभी बैग में नहीं रखी है मतलब, क्योंकि उसके पास ना बहुत सारी चॉकलेट इकट्ठी हो गई हैं, तो डेली मतलब थोड़ी थोड़ी करके डेली दे देती हूँ मैं, क्योंकि भाई 2000 दिवाली पे ना काफ़ी मिल गई थी चॉकलेट्स वगैरह, मिठाई तो है ही है, चॉकलेट्स भी थी, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं अब, तो जीनू को स्कूल के लिए दे देती हूँ मैं, स्कूल में खा लेती है। और यहाँ मैडम हो गई रेडी, विंटर्स की ड्रेस जो है वो आ चुकी है तो वही पहना दी अभी, और बस भेज देती हूँ फटाफट से। एक तो एक्चुअली गीले बाल रहते हैं ना, नहाती है तो चोटी वोटी तो बन नहीं पाती इसकी गीले बालों में, और मैं जानबूझ के बनाती नहीं हूँ गीले बाल, फिर ना गीले रहते हैं, तो इसलिए मोस्टली ना बस मैं कॉम कर देती हूँ। और सोच रही हूँ ना मैं कटिंग कराने की सोच रही हूँ जीनू की, तो कटिंग कराऊँगी किसी दिन जाके ना, बाल सेट कराऊँगी, मतलब वैसी कटिंग, मतलब जैसे होती है ना सेट कर देते हैं बाल, तो वैसे करा दूँगी, ऐसा तो छोटे ही हैं ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट ये ना आगे को आते रहते हैं तो इसलिए कटिंग कराऊँगी इसकी किसी दिन, टाइम निकाल के जाती हूँ। और बस यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी होके बैठ गए, इनको भी नाश्ता देना है फटाफट से। जीनू को छोड़ के आती हूँ नीचे, मम्मी ले जाएंगी छोड़ेंगी,
और फिर आके जो है इनके लिए भी सेक देती हूँ। तो भाई देखो आज हम लोग क्या खा रहे हैं। क्या हुआ, गरम है? अभी अभी सेक के लाई हूँ ना मैं। हम लोग खा रहे हैं मटर एंड कुलचा। लो ठंडा हो गया। देखो जीनू अपने आप खाएगा, वो गरम नहीं है, खा लो ठंडे हैं। मटर ठंडे बेटू खा लो। जीनू को लग रहा है मटर गरम है, खा के बताओ कैसा है। पहले खाओ तो। अच्छा है, अच्छा। अब टीवी चलाओ, जीनू की टीवी रोक रखी है ना, उसके पीछे पड़ गया। दो मिनट रुक जाओ बेटू, अभी चला लो जीनू। ये बात नहीं करने देगी, इतने शैतान बच्चे होते हैं ना, इतने शैतान बच्चे होते हैं, बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे बिल्कुल बात नहीं सुनेंगे। तो हाँ यार, कुलचे हस्बैंड लेके आए थे कल, उनका मन था खाने का, इसीलिए मैंने मटर उबाली थी सुबह को, तो नाश्ते में खा के चले गए वो। और बाकी अब खा लेते हैं। जीनू को मैंने आधा रख दिया था, तो ये खा के आ गई है। मुझे लगा था खाएगी नहीं, बट इसने खा लिया, इसको अच्छे लगे। मैंने इसके लिए ना बिना मिर्च की मटर निकाल दी थी, तो वही खा लिया इसने अभी। और बस अब खाना खिला देते हो, लंच कर लेते हम दोनों। टाइम हो गया है, 1 बज चुका है, तो चलो यार खा लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने खाया भी नहीं आज सुबह, नाश्ता भी नहीं किया है, तो अब खा लेते हैं खाना और आपसे मिलते हैं फिर खाने के बाद। तो यार यहाँ ना दूध हो चुका है बॉइल ना, मतलब होने वाला, थोड़ा और खदक जाए। और ये है मेरी चाय, मम्मी को चाय दे दी मैंने। और देखो यहाँ जीन वाड़म उठते ही चिप्स खाने पे लग गई हैं। और मैं बोल रहा हूँ जीनू से, मेरे को भी खिला दो, जीनू खिला नहीं रहा। मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने आप खाऊँ? मैं तो छोटा चाहूँ, अभी मेरे को मुँह में खिला दो। अभी तक खिला नहीं रही थी मुझे, कह रही पापा से बोलूंगा आप बड़े हो गए हो, आप अपने आप नहीं खाते हो। अब बताओ सबको, जीनू ने होमवर्क अपने आप किया था? क्या बनाया था वो बता दो। उल्लू? उल्लू नहीं बनाया था। हाँ आम बनाया था। और इंग्लिश में क्या बनाया था? पहले खा लो फिर बोलना, पहले जीनू खाएगी तब बताएगी। तो यार शाम की चाय जो है हो चुकी है, चाय पी ली, उसके बाद लग चुकी हूँ मैं डिनर की तैयारी में। तो आज बनाने करेले, दाल मैंने बना ली है अरहर की दाल करेले के साथ, तो वो बन चुकी है। और बस उसी कुकर को खंगा के फिर मैं उसी में ही ना ये करेले जो है बॉईल होने के रख लेती हूँ, उसका मसाला बना लिया मैंने। और साथ में सोच रही हूँ यार चावल भी बना लूँगी, अरहर की दाल के साथ अच्छे लगते हैं। तो आज का जो मेन्यू है वो यही हमारा सिंपल था, दाल चावल रोटी और करेले, और सुबह की सब्ज़ी भी बची हुई है सेम आलू की, क्योंकि मटर हुई थी साथ में, तो इसलिए सब्ज़ी जो है वो बच चुकी है, तो वो भी साथ में चल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने करेले भी रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, और दाल में तड़का नहीं लगाया, तड़का लगाऊंगी बाद में जब करेले फ्राई करने होंगे ना, तो उससे पहले दाल में तड़का लगा दूँगी। और इधर लगा लेते हैं आटा, तो आटा लग के हो गया था रेडी। इसके बाद मैंने जो है दाल फ्राई करी थी, दाल फ्राई करने के बाद फिर मैंने रख कर दिए करेले फ्राई, तो करेले अभी भुन रहे हैं अच्छी तरीके से। जब ढंग से भुन जाएंगे नहीं, उसके बाद फिर करेले जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी और बर्तन में, और कढ़ाई जो है इसको भी मैं धो के रख दूँगी। एंड अभी मैं रख रही हूँ चावल बनने के लिए, चावल मैंने पहले ही धो दिए थे, धो के मतलब रख दिए थे, पहले ही धो रही थी मैं चावलों को, ताकि फटाफट से ना, 2 मिनट भी नहीं लगते फिर चावल को बनने में, पहले से गले होते हैं ना, और अच्छे भी बनते हैं काफ़ी, खिले खिले से बनते हैं। तो इसलिए बस अब यहाँ पर रख दिए चावल, दूध बॉईल हो ही चुका है, तो सारा काम मेरा हो गया है। सैलेड रह गया था, सैलेड में छील ही देती, इतने में मुझे चावल याद आ गए, फिर मैं चावल रखे। और अब कट कर लेते हैं गाजर खीरा, आजकल गाजर बड़ी मीठी मीठी सी आने लग गई हैं सर्दियों में ना, रेड वाली आने लग गई हैं, तो अच्छी लगती हैं खाने में। तो बस यही सैलेड में कट कर लेती हूँ, और इसके बाद जो है प्याज भी काट लूँगी थोड़ा सा, दाल चावल के साथ प्याज ना अच्छा लगता है, तो वो काट लूँगी। और यहाँ पे करेले जो है वो भुनने वाले हैं 2 मिनट के लिए, और इनको पका लेती हूँ और भुन जाए, उसके बाद गैस ऑफ कर दूँगी। फिर तो यार सब कुछ रेडी हो चुका है,
ठीक है। इसके बाद आती है ना चिमनी की बहुत ज़्यादा, तो मैं इसलिए यहाँ पे ना आपसे बात नहीं कर पाती हूँ। तो रेडी हो चुका है, करेले भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। थोड़ी देर बाद मैं गैस ऑफ करूँगी, थोड़ा सा और भुन जाए, क्योंकि करेले जितने भुन जाते हैं ना उतने अच्छे लगते हैं। और बस चावल भी बन के रेडी, आटा भी लग गया, सब कुछ रेडी है। हस्बैंड अभी तक आए नहीं, आज वो लेट आएंगे शायद, 8 बज चुके हैं। मम्मी तो लेट आएंगी, भागवत में गई मम्मी आज भी, और अभी 3-4 दिन भागवत चलेगी तो मम्मी तभी आएंगे। पापा तो ऐसे भी 8:15 के अराउंड कुछ आते हैं, पापा जब ही खाएंगे आई थिंक जब मम्मी आ जाएंगी। तो बस ये रहने देती हूँ, मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, तब बैठ के थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो एडिटिंग कर लेती हूँ, और जब आएंगे तब गर्मा गर्म रोटी सीख जाएगी। और ब्लॉग का एंड भी यहीं पर करती हूँ, आपसे मिलेंगे कल। आज के ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर हो नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे ब्लॉग अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलिए बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, इन्जॉय करिए, खाते पीते रहिए। बाय, टेक केयर।